दोस्तों, आमतौर पर हम सभी भूत प्रेत और पिशाचों की कथाओं को सुनते रहते हैं, लेकिन क्या आपने कभी ब्रह्म राक्षस के बारे में सुना है? यहाँ हम आपको ब्रह्म राक्षस या ब्रह्म पिशाच के बारे में बताएंगे। आखिर ब्रह्म राक्षस क्या है और वो कितने शक्तिशाली होते हैं? दोस्तों, ब्रह्म राक्षस वो दैत्य होते हैं जिनके पास ब्रह्मा का ज्ञान यानी वेदों का ज्ञान होता है, लेकिन वो अपनी सिद्धियों का दुरुपयोग बुरे कामों के लिए करते हैं। इनके पास बहुत अधिक शक्तियां और सिद्धियां होती हैं। ब्रह्म राक्षसों का जिक्र पुराणों में हुआ है। दोस्तों, भूत प्रेत कुष्मांड ब्रह्म राक्षस बेताल और क्षेत्रपाल आदि अलग अलग वर्गों में विभाजित होते हैं। इसमें से भूत पहला क्रम है। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो सबसे पहले वो भूत बनता है। इसी क्रम में आगे ब्रह्म राक्षस आते हैं। ब्रह्म राक्षस कुछ और नहीं बल्कि उन सिद्ध ब्राह्मणों का भूत होता है जिन्होंने अपने जीवन काल में बहुत ही बड़े पाप किए होते हैं। ऐसे लोग ब्रह्म राक्षस बनकर अपनी सजा भुगतते हैं। मनुस्मृति के अनुसार एक ब्राह्मण जो गलत संगति में रहता है, अपनी सिद्धियों से दूसरों की पत्नियों को फुसलाता है या दूसरों की संपत्ति चुराता है, वो अपनी मृत्यु के बाद एक ब्रह्म राक्षस बन जाता है जो कि बहुत ही शक्तिशाली होता है। ब्रह्म राक्षस घंटों एक ही स्थिति में बैठे या खड़े रहते हैं। अगर देखा जाए तो इनका आधा हिस्सा ब्रह्म यानी कि देव होता है और आधा हिस्सा दैत्य यानी कि दानव का होता है, जिसमें तीक्ष्ण और मुड़े हुए दांत, एक भयंकर मुंह और सूखे हुए अंग होते हैं और उसका आहार मांस और खून का होता है। धर्म ग्रंथों के अनुसार इन्हें कई प्रकार की अत्यधिक शक्तियों का संचालक माना जाता है। ये आध्यात्मिक और अलौकिक शक्तियों के साथ जुड़े होते हैं और आम तौर पर किसी भी रूप में प्रकट हो सकते हैं। कहा जाता है कि ब्रह्म राक्षस को सिर्फ कुछ विशिष्ट व्यक्तियों या किसी शक्तिशाली राशि में जन्म लिया व्यक्ति ही परास्त कर सकता है और उन्हें मुक्ति दे सकता है। गीता में ब्रह्म राक्षस को मुक्ति प्राप्त करने का मार्ग बहुत ही सुलभ बताया गया है। एक जगह पर यह वर्णन है कि एक महान ऋषि एक पेड़ के नीचे बैठकर भगवत गीता के श्लोकों का उच्चारण कर रहे थे। इसी समय एक ब्रह्म राक्षस भी उसी पेड़ पर बैठा था। ब्रह्म राक्षस ने उन श्लोकों का श्रवण कर लिया और इसके परिणाम स्वरूप उसे मुक्ति प्राप्त हो गई। दोस्तों, भारत में कई ऐसे मंदिर है जहां ब्रह्म राक्षसों की मूर्तियां स्थापित हैं और उनकी पूजा की जाती है। इसके अलावा दक्षिण भारत में कई ऐसे मंदिर हैं जो विशेषतः ब्रह्म राक्षसों के लिए ही निर्मित हैं। वहां भक्त ब्रह्म राक्षसों की पूजा करते हैं और उनसे उनकी कृपा प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। ब्रह्म राक्षस नाम जो है दो शब्दों के संयोजन से बना है। पहला शब्द है ब्राह्मण, जो हिंदू व्यवस्था में सबसे उच्च स्थान पर होता है, और दूसरा शब्द है राक्षस, जो कि अक्सर हिंदू धर्म की पौराणिक कथाओं में सुने जाने वाले दानवों को सूचित करता है जो मानवों का मांस खाते हैं। इस तरह से ब्रह्म राक्षस का अर्थ होता है ब्राह्मण जाति का दानव। ये बहुत ही खतरनाक होते हैं, क्योंकि ऐसा बताया जाता है कि अगर ये किसी को सताने लगे तो जल्दी से छोड़ते नहीं है। अक्सर लोग ब्रह्म राक्षस को ब्रह्म पिशाच भी कह देते हैं, लेकिन वास्तव में पिशाच शब्द की उत्पत्ति पश्चिम देशों से आई है और इसका अर्थ होता है एक ऐसा प्राणी जो खून पीकर जिंदा रहता है। पश्चिमी देशों में पिशाच की बात ज्यादातर फिक्शन और काल्पनिक कहानियों में होती है और ब्रह्म राक्षस का उल्लेख कई हिंदू धार्मिक ग्रंथों में मिलता है और उनकी मान्यता प्राचीन हिंदू पौराणिक कथाओं और धार्मिक परंपराओं से जुड़ी होती है। वहीं ब्रह्म पिशाच के बारे में कोई धार्मिक प्रमाणित इतिहास नहीं है। ब्रह्म राक्षस का उल्लेख सिंहासन, द्वात्रिंशिका और पंचतंत्र की कथाओं में भी किया गया है। इस कहानी के अनुसार ब्रह्म राक्षस किसी व्यक्ति पर प्रसन्न हो जाए तो उसको वरदान स्वरूप धन और सोना देने की शक्ति रखते हैं। इन कहानियों में वो बड़े और डरावने दिखाए जाते हैं, जिनके सिर पर दो सींग होते हैं, जैसे राक्षस बताए जाते हैं। महाराष्ट्र और दक्षिण भारत के राज्यों में कई हिंदू मंदिरों में ब्रह्म राक्षसों की मूर्तियां मंदिर की दीवारों पर चित्रित की जाती हैं और आमतौर पर उनकी मूर्तियों के सामने नियमित रूप से दीपक जलाया जाता है। कुछ मंदिरों में इन ब्रह्म राक्षसों की पूजा भी की जाती है। दोस्तों, दक्षिण पूर्व एशिया में थाईलैंड, कंबोडिया और जावा जैसे देशों जिनकी संस्कृति में हिंदू धर्म का प्रभाव है, वहाँ प्राकृतिक दिव्य आत्माओं की पूजा की जाती है, जिनमें से कुछ को ब्रह्म राक्षस के साथ जोड़ा जाता है। ब्रह्म राक्षस की पहचान के कई लक्षण होते हैं,
जिन लोगों पर ब्रह्म राक्षस का साया होता है वो अचानक बीमार पड़ सकते हैं या अचानक से ठीक हो सकते हैं, भले ही उस व्यक्ति को पहले कोई बीमारी रही हो या नहीं। अगर ब्रह्म राक्षस नाराज है तो वो आपको असहनीय पीड़ा दे सकता है, और अगर ब्रह्म राक्षस आपसे खुश है तो आपको कुछ भी हासिल करने में आपकी मदद कर सकता है। ऐसा व्यक्ति जो मांस से दूर रहता है वो व्यक्ति अचानक से मांस का सेवन करना शुरू कर सकता है, क्योंकि ब्रह्म राक्षस मांस का सेवन करते हैं। दोस्तों, इनमें काम वासना भी होती है, इसलिए इनके प्रभाव में आया व्यक्ति पहले से कहीं ज्यादा कामातुर हो सकता है। ब्रह्म राक्षस के प्रभाव में आया व्यक्ति अत्यधिक क्रोध करने लगता है। कई बार ब्रह्म राक्षस किसी व्यक्ति से प्रसन्न होकर उसे अचानक से धनवान या बलशाली बना देते हैं। ब्रह्म राक्षस स्त्री और पुरुष दोनों ही हो सकते हैं, ये जरूरी नहीं केवल पुरुष ही ब्रह्म राक्षस हो। ब्रह्म राक्षस कई कारणों से लोगों को परेशान कर सकते हैं और उनके जीवन पर प्रभाव डाल सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति पीपल के पेड़ को काट देता है तो उसे ब्रह्म राक्षस का प्रकोप झेलना पड़ सकता है, क्योंकि माना जाता है कि ब्रह्म राक्षस अक्सर पीपल के पेड़ों में निवास करते हैं। कई बार लोग बिना जाने सदियों पुराने पेड़ों को काट देते हैं जो किसी स्थल पर बहुत समय से बरकरार हैं। ऐसी मान्यता है कि बहुत पुराने पेड़ों को नहीं काटना चाहिए, क्योंकि उनमें ब्रह्म राक्षसों का निवास हो सकता है। आमतौर पर पुराने आग के पेड़ों को भी नहीं काटना चाहिए, अन्यथा उसे ब्रह्म राक्षस के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि पीपल के पेड़ के बाद आग के पेड़ों को ब्रह्म राक्षसों के सबसे अधिक निवास स्थल के रूप में माना जाता है। इसके अलावा कुछ दुष्ट व्यक्तियों द्वारा अपने निजी स्वार्थ के लिए कुछ तांत्रिक और अघोरी विद्याओं का प्रयोग करके ब्रह्म राक्षस का आह्वान किया जा सकता है। इस तरह से उन्हें आपके घर में प्रवेश करवाकर किसी खास व्यक्ति पर उसका प्रभाव डालने के लिए भेजा जाता है। तो दोस्तों, क्या ब्रह्म राक्षस सच में होते हैं ये कह पाना मुश्किल है, क्योंकि ये हमारे धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण पर निर्भर करता है, जहां संभावनाओं की कोई भी सीमा नहीं होती। वैज्ञानिक रूप से इसके बारे में कोई भी प्रमाण नहीं है, लेकिन अगर आप भूत प्रेत में विश्वास रखते हैं तो हाँ, आप मान सकते हैं कि ब्रह्म राक्षस सच में होते हैं। इसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से साबित नहीं किया जा सका है, लेकिन साथ ही साइंस इन्हें गलत भी नहीं कह पाया है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए रोचक और ज्ञानवर्धक साबित हुआ हो। साथ ही ब्रह्म राक्षस के बारे में आपकी क्या राय है ये भी हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।